आईपीएल 2022 के 34 मुकाबलों की समाप्ति के बाद यह चार टीमें खेलने वाली है अब प्लेऑफ। इन चार टीमों की दावेदारी है सबसे मजबूत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2022 के 34 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। इन 34 मुकाबलों की समाप्ति के बाद आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अब कौन सी टीम के कितने प्रतिशत चांस है कि वो प्लेऑफ में पहुंच पाएगी। तो दोस्तों, पूरी डिटेल में हम आपको पूरा समीकरण बताएंगे कि कैसे कौन सी टीम कितने मुकाबले जीत कर अब प्लेऑफ में जा सकती है और कौन कौन सी टीमें अब आईपीएल 2022 से बाहर हो चुकी है। तो ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चाहते कि आपकी फेवरेट टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करे तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों, हम जानते हैं आईपीएल 2022 की पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण। तो दोस्तों, आईपीएल 2022 की पॉइंट टेबल में फिलहाल सबसे आखिरी पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले और 7 ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई इंडियंस ने अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीता है और इनकी नेट रन भी -0.89 है। यह टीम अभी भी अपने सभी 7 मुकाबले जीत लेती है तो भी प्लेऑफ में पहुंचने के इनके चांस बिल्कुल 10% हैं, यानी कि मुंबई इंडियंस लगभग आईपीएल 2022 से बाहर हो चुकी है। वहीं पर दोस्तों, पॉइंट टेबल में नंबर 9 पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 2 मुकाबले जीते हैं। इस टीम ने 5 मुकाबले हारे हैं जबकि फिलहाल इनके 4 अंक हैं। नेट रन रेट इनके -0.53 है, लेकिन इस टीम के पास अभी भी 7 मुकाबले बचे हुए हैं। उन 7 मुकाबलों में से अगर यह टीम 6 मुकाबले जीतती है तो इनके 16 अंक हो जाएंगे और अगर अच्छे मुकाबले जीते तो इनकी नेट रन रेट भी और बेहतर हो जाएगी। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के अभी भी 60% चांस कि ये टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकती है, बस इन्हें अपने मुकाबले जीतने हैं, वो भी 7 में से 6। वहीं पर दोस्तों, नंबर 8 टीम की हम बात करें तो यहां पर पंजाब किंग्स की टीम है, जिन्होंने 7 में से 3 मुकाबले जीते हैं जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके 6 अंक है जबकि इनकी नेट रन रेट भी -0.56 है, लेकिन इस टीम के अभी भी 70% चांस है कि ये टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है क्योंकि इस टीम के पास कई दमदार खिलाड़ी हैं और फिलहाल इनके पास 7 मुकाबले बचे हुए हैं जिनमें से इस टीम को 5 मुकाबले जीतने हैं। तो वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की हम बात करें तो इस टीम के पास भी 7 मुकाबलों में 3 जीत है जबकि 4 हार हैं। इनके भी 6 अंक है जबकि नेट रन रेट इनकी +0.16 है, जिसके चलते ये नंबर 7 पर हैं और अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से ये टीम भी अगर 5 मुकाबले जीतती है तो प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन इनके प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस थोड़े कम हैं क्योंकि इस टीम के खिलाड़ी उतनी अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं, यानी कि 60% ही चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ में पहुँच पाएगी। वहीं पर दोस्तों, नंबर 6 की हम बात करें तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल की टीम है, जिन्होंने 7 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं और इनके 6 अंक हैं। इनकी नेट रन रेट +0.71 है जो कि काफ़ी शानदार है और इस टीम के पास अभी भी 7 मुकाबले बचे हुए हैं। उन 7 मुकाबलों में से अगर ये टीम भी अपने 5 मुकाबले जीतती है तो प्ले ऑफ में पहुँच जाएगी और इस टीम के 70% चांस है कि ये प्ले ऑफ में पहुँच सकती है। तो वहीं पर फिलहाल पॉइंट टेबल में नंबर 5 पर सनराइज हैदराबाद की टीम है, जिन्होंने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 4 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं और इनके 8 अंक हैं। नेट रन रेट इनकी भले ही -0.08 हो, लेकिन इन्होंने 6 में से अब तक 4 मुकाबले जीत लिए हैं और बचे हुए अब अपने 8 में से 4 मुकाबले ये टीम और जीती है तो प्ले ऑफ में पहुँच जाएगी, यानी कि फिलहाल 80% चांस है इस टीम के प्ले ऑफ में पहुँचने के। तो वहीं पर नंबर 4 पर हम बात करें तो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 4 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं और इनके 8 अंक हैं। नेट रन रेट इनकी +0.12 है, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के प्ले ऑफ में पहुँचने के चांस भी 80% हैं। तो वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 टीम की, तो वो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिन्होंने अब तक 7 मुकाबले खेले जिनमें से 5 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं, इनके 10 पॉइंट है, साथ ही नेट रन रेट भी +0.25 है। ये टीम प्ले ऑफ में तो पहुंच ही जाएगी क्योंकि 7 में से अब इन्हें सिर्फ 3 ही मुकाबले जीतने हैं, लेकिन ये टीम चाहेगी नंबर 1 की तरफ बढ़ने का लिए, यानी कि अभी भी इस टीम के 90% चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ खेलेगी। वहीं पर दोस्तों, नंबर 2 पर हैं गुजरात टाइटन्स, जिन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 5 मुकाबले जीते हैं, सिर्फ 1 मुकाबला हारा है और इनके 10 अंक है, साथ ही नेट रन रेट भी +0.40 है। इस टीम के प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस 95% हैं, जबकि ये टीम नंबर 1 पर रहेगी। इसकी होड़ अब लगेगी इनकी राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से।
तो वहीं पर फिलहाल पॉइंट टेबल में नंबर वन पर राजस्थान रॉयल्स है, जिन्होंने 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले आ रहे हैं और इनके 10 अंक है। नेट रनरेट इनकी +0.43 है, जो काफी शानदार है। यानी कि राजस्थान रॉयल्स भी 95% चांस के साथ प्ले ऑफ में पहुंचने वाली है, लेकिन इनकी नंबर वन बनने की होड लगी रहेगी गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री की रेस रहेगी राजस्थान गुजरात और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच, जबकि नंबर चार की रेस के लिए लखनऊ सुपर जायंट, सनराइज हैदराबाद प्रबल दावेदार है। तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स भी इस होड़ में बनी रहेगी। लेकिन अब कौन सी चार टीमें पहुंचेगी, आपको क्या लग रहा है, आप हमें अपनी चार टीमों के नाम कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल मुंबई इंडियंस के अलावा बाकी सभी 9 टीमें प्ले ऑफ की रेस में बनी हुई है। तो अभी आगे आईपीएल काफी रोमांचक होने वाला है, आपकी अपनी टीमें हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।